डियर स्टूडेंट्स, आई एम कमलेश कुमार गुप्ता इन योर मैथ्स टीचर्स। आज हम 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि अंडर रूट जो 5 होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है रेशनल और इरेशनल होते क्या है। तो फ्रैक्शन विच कैन एक्सप्रेस बाय पी अपॉन क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल ने 0, जहां पे आप किसी भी फ्रैक्शन को आप लिखते हो और उसका जो डिनोमिनेटर होता है वह 0 की वैल्यू के बराबर नहीं होता है। अगर 0 की वैल्यू के बराबर हो गया तो वह इरेशनल है। लेकिन आप नॉर्मली किसी भी फ्रैक्शन को आप लिखो तो आप ये कह सकते हो कि 1/7, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्यू नॉट इक्वल देन 0, तो 1/7 इज अ रेशनल नंबर। बट 1/7 रेशनल नंबर नहीं है, 1/7 एक इरेशनल है, इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको जब हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0.142857 बार होती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मान चलो 2/5 आपने लिखा तो 2/5 की वैल्यू आती है, ये 2/5 एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी 0.4 होगी, यानी टर्मिनेटिंग। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे जो फ्रैक्शन होते हैं वो सभी रेशनल होते हैं, मतलब वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। ये अलग कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला होता है आपका सिंगल कॉन्सेप्ट और दूसरा आपका होता है कंबाइंड कॉन्सेप्ट। तो पहले हम समझते हैं सिंगल कॉन्सेप्ट क्या है। सिंगल कॉन्सेप्ट, सिंगल कॉन्सेप्ट सिंगल कॉन्सेप्ट सिंगल कॉन्सेप्ट सिंगल का मतलब अकेला। जब कोई भी नंबर क्या हो, अकेला हो, जैसे √2, √3, √5, √6, ये सिंगल है। तो इसको सॉल्व करने की के अलग तरीके होते हैं और दूसरा आपका होता है कंबाइंड कॉन्सेप्ट। कंबाइंड कॉन्सेप्ट मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से मिला होता है, लाइक वो ऐड भी कर सकता है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है और डिवाइड भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल 5 √2, 5 √3, 7 √5, 1 √2, etc. तो इसको सॉल्व करने के अलग तरीके होते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट आपके हैं, एक है सिंगल कॉन्सेप्ट और एक है कंबाइंड कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम सीखते हैं सिंगल कॉन्सेप्ट। सिंगल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन हमारा ये बोला है कि अंडर रूट 5 इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम जस्ट इसका उल्टा मान लेते हैं कि जो अंडर रूट 5 है वो रेशनल है। लेट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम पी अपॉन क्यू या फिर ए अपॉन बी के रूप में राइट कर सकते हैं। तो ये आपका होगा अंडर रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। ए और बी क्या है? ए एंड बी इज ए कोसाइन नंबर। ए और बी कोसाइन नंबर होंगे, या इंटीजर भी आप इसे कह सकते हैं। अब रूट को खत्म करने के लिए आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे स्क्वायरिंग
बॉल साइड दोनों तरफ स्क्वायरिंग आप कर लो तो अंडर रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी होल स्क्वायर, स्क्वायर को आप तोड़ोगे तो ये आपका हुआ 5 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर हो जाएगा क्रॉस इनटू करने पर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप देखोगे कि ए स्क्वायर देयरफोर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा क्योंकि बी स्क्वायर में 5 का इंटू कर रहा है हो रहा है तो जो 5 अगर इंटू कर रहे हैं तो ये फैक्टर का भी काम करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज डिवाइड बाय 5 एंड आल्सो ए इज डिवाइड बाय 5 मतलब ए स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड होता है तो हम जब स्क्वायरिंग फाइंड कर लेते हैं और यहां से ए रूट जब निकालते हैं तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ए की वैल्यू हमने निकाल लिया, बी की वैल्यू निकालना है तो बी की वैल्यू निकालने के लिए ए को चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 5c। अब सी क्या है, सी इज अदर इंटीजर, सी एक दूसरा आपको इंटीजर मान लो तो यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में आप इसको पुट कर लो, फर्स्ट में आप पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5c होल स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर होल स्क्वायर आप तोड़ोगे तो 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5 इसको काटेंगे तो 5 आएगा 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब सेम वही प्रोसीजर, a स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो 5c स्क्वायर के बराबर आई है तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड आल्सो बी इज डिवाइड बाय 5। अगर बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो जो b की वैल्यू होगी वो भी 5 से डिवाइड होगी। क्लियर, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हुआ। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि जो a और b की वैल्यू हमने निकाला है a की वैल्यू के a इससे डिवाइड हो रहा है 5 से, यानी a का जो फैक्टर होगा वो 5 होगा और जबकि b का फैक्टर 5 होगा तो a और b क्या आ गए, कॉमन फैक्टर आ गए। तो यहां पे लिखेंगे a एंड b इज a कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर आ गए। अगर रेशनल होता तो को प्राइम नंबर होता लेकिन यहां पे क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे दिस दिस कॉन्डिक फैक्ट दैट दिस कॉन्ट्रिक्ट फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज ए
रेशनल, मतलब यहाँ पे ये बोला है कि अंडर रूट फाइव इरेशनल एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं सो अवर एज्यूम आर रॉन्ग, मतलब हमने जो सोचा था, हमने जो मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया था वो पूरी तरह से रॉन्ग है, इसलिए आप कह सकते हैं हेंस, आप कह सकते हैं कि अंडर रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया। इसी की बेस में अगर क्वेश्चन चेंज कर लेता है प्रूफ दैट अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट सिक्स, अंडर रूट सेवन, तो सेम इसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान रखना है कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।